हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बेटा क्लास 10 से लेसन नंबर 12 हम शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैसे बल्ब का जलना, फैन का जलना, टीवी चलाते हैं घरों के अंदर तो कैसे होता है। हम क्या करते हैं, एक स्विच दबा देते हैं और तुरंत वो चलने लग जाते हैं। क्या कारण होता है बेटा, किस वजह से जो ये चलने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, हमारे पास एक कंडक्टर होता है ये, और इन कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होने लगता है और उन चार्ज के फ्लो होने से करंट डेवलप हो जाता है और उस करंट की वजह से ये सारे इक्विपमेंट जो है वो अपना काम कर पाते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले जो टर्म आती है हमारी वो यही है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल में अगर इसे हम कहें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज का फ्लो करना, ठीक है, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में से हम कोई भी हम बात बोल सकते हैं। या तो ये बोल दो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर ये बोल दो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है बेटा। तो करंट जो होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं और आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू क्या होता है यहां पर, क्यू है चार्ज और टी जो हो गया वो क्या है बेटा, वो टाइम है, ठीक है। तो हम यहां से ऐसे बोल सकते हैं इट इज रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये भी हम कह सकते हैं। तो इसकी यूनिट अगर देखें बेटा, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था बेटा, उसके नाम के ऊपर है एम्पियर, ठीक है। और चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब और टाइम की यूनिट होती है बेटा सेकंड। तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास, एम्पियर किसके बराबर आ गया, कूलम पर सेकंड। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये आ जाए कि डिफाइन करो कि वन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होगा। तो बेटा ये टर्म वन कब आएगी हमारे पास, ये वन तब होगी जब हमारे पास ये भी वन हो और ये भी वन हो। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, व्हेन वन कूलम चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड। जब हमारे पास एक कूलम चार्ज फ्लो हो रहा हो किसी भी कंडक्टर के अंदर से एक सेकेंड के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, एक एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट को एक डिवाइस होती है बेटा जिसका नाम होता है एमीटर, ठीक है। इस डिवाइस के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, एमीटर। और इसका सिंबल होता है इस प्रकार से, एक सर्किट के अंदर एमीटर जो है वो इस प्रकार से लगा होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। करंट की डायरेक्शन देखे बेटा, करंट की देखो, वैसे तो करंट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या कर, या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव कह सकते हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हम इसके डायरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें बात आती है बेटा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, इलेक्ट्रिसिटी का एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, या फिर इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, ठीक है, एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे।
जैसे अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को हम बनाना चाहें इस प्रकार से एक डायग्राम के द्वारा आपको बता रहे हैं। देखिए ये हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया और यहां पर एक बैटरी लगा दी। बैटरी का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, ये जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव का, छोटा होता है वो नेगेटिव का होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल, सॉरी बैटरी का जो सिंबल होता है। यानी देखो एक सेल जो होता है, सेल को हम ऐसे लिखते हैं, एक बड़ा बेटा और एक छोटा। और आपको पता है एक बैटरी कब बनती है, जब दो या दो से ज्यादा सेल लगे हो। तो एक और सेल इसके साथ ठीक यहां पर जोड़ देते हम ऐसे, ये तो वो क्या बन जाती है, वो बैटरी बन जाती है। ये बड़ा पॉजिटिव होता है, छोटा क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। तो यहां हमने क्या लगा दिया, कि बैटरी लगा दी। और बैटरी के बाद यहां पर हमने क्या लगा दिए, कि की लगा दी या कोई स्विच लगा दिया। और एक यहां पर बेटा करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगा दिया इसमें। तो अब इसकी डायरेक्शन देखें तो किसके इक्वल हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इस प्रकार से करंट है ये फ्लो होगा। तो जैसे ही हमने की को क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने के बाद क्या होगा, क्लोज ऐसे करते हैं बेटा, क्लोज की के ऊपर जैसे बीच में डॉट लगा दी ना, तो अब ये की हमारी क्लोज हो गई। और ओपन की कैसे डिनोट करेंगे उसको, इस प्रकार से ये हमारे पास ओपन की हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे ये भी हमारे पास ओपन की होती है। और अगर क्लोज की करना चाहें तो ऊपर वाली इसको हम कैसे डिनोट कर देंगे, ऐसे इस प्रकार से। और इसको कैसे करेंगे, यहां से करके, और ये इस प्रकार से हमने इसको मिला दी यहां से। तो इस प्रकार क्लोज की बन जाएगी ये। तो हमने इस की को यूज कर रखा यहां पर क्लोज की, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। तो ये जो पूरा पाथ हो जाएगा, इस पाथ को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ठीक है, तो अब बात है बेटा कि करंट को आपको क्या बताया था, कि आई जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे पास से, वो क्यू बाई टी के बराबर है। और क्यू था हमारे पास से चार्ज और ये था हमारे पास से सेकंड टाइम। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है बेटा, यहां पर चार्ज अगर देखें, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ व्हाट इज चार्ज, तो क्या कहोगे, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है बेटा एलिमेंट्री पार्टिकल की। अब एलिमेंट्री पार्टिकल जो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे, एक एलिमेंट के पार्टिकल, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल हम लेते थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, तो यहां पर हम कौन से ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज की बात कर रहे हैं। और चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो गया और नेगेटिव चार्ज हो गया। वैसे बेटा और भी होते हैं जो आप आगे पढ़ोगे 11 12th के अंदर जाके, क्वार्क्स का थोड़ा बहुत जिक्र आएगा यहां पर। और फिर आगे हायर एजुकेशन के अंदर ग्रेजुएशन में मास्टर लेवल के ऊपर आप पढ़ोगे कि क्वार्क्स क्या होते हैं। ये और छोटे पार्टिकल होते हैं बेटा, बहुत छोटे पार्टिकल, जैसे लेप्टोन, हेप्टोन, मेजोन, म्यूओन्स, बेरियोन्स, ये सब बहुत, इनसे भी बहुत छोटे होते हैं बेटा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, इनसे भी काफी छोटे होते हैं। लेकिन आपके लेवल के ऊपर यही है बेटा, इतना बस कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो अब बात करते हैं, जैसे बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है, यानी प्रोटोन का कैरेक्टर क्या है। प्रोटोन का कैरेक्टर ये है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर ये है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा यदि प्रोटॉन और प्रोटॉन होंगे तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा, ये दूर दूर जाएंगे। यानी हमारे पास यदि जो लाइक चार्ज होंगे तो वो कैसा रहेंगे, एक दूसरे को दूर दूर करेंगे, यानी वो रिपेल करेंगे। उनके बीच में फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स रहेगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन
और इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, यानी फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा। और अगर हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करेंगे, और इनमें फोर्स जो हो जाएगा वो कैसा होगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अगर देखें बेटा, वो होता है 1.6 10 टू इस पावर माइनस 19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये होता है हमारे पास। और अगर आपसे ये पूछ ले कि बताओ एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बेटा आपका क्वेश्चन भी आता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 10 टू इस पावर माइनस 19 इनटू में 1 कूलम लिख सकते हैं। अब हमने एक कूलम चार्ज में बताना है, तो क्या करेंगे, एक कूलम चार्ज को यहां रखो, इसको दूसरी साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1/1.6 10 टू इस पावर माइनस 19 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम, और ये इलेक्ट्रॉन है आपका, तो यहां पर 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास जो है 1 इंटू 10 टू इस पावर 19 डिवाइड बाई 1.6 इज इक्वल टू 1 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास। इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या हो जाएगा 10, और इसको 10 की पावर 19 को आप ऐसे लिख लो 100 इंटू में 10 की पावर 18 डिवाइड बाई 16, क्योंकि एक पावर को हमने क्या यहां पर मल्टीप्लाई करवा दिया, और इज इक्वल टू 1 कूलम, इससे काट दो 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 दुनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये आ गया आपका 25/4 गुणा में 10 की पावर 18 इज इक्वल टू 1 कूलम। इसको आप डिवाइड करवाओगे तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 6.25 10 टू इस पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू आपने ध्यान रखनी है बेटा। एक कूलम चार्ज के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 10 टू इस पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब करंट की कुछ छोटी यूनिट और भी हैं बेटा, जैसे हमारे पास 1 मिली एम्पियर करंट जो है वो किसके बराबर होगा, 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर होगा। ऐसे ही 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होगा, 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, इस सिंबल को बोलते हैं बेटा माइक्रो। ठीक है, माइक्रो एम्पियर हो जाएगा ये आपका, और वैसे बोला जाता है ये म्यू, ऐसे ये सिंबल होता है इसका म्यू, इस प्रकार से बोला जाता है। ठीक है, और पूरा कंप्लीट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा माइक्रो एम्पियर, ये 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर के बराबर होता है। और ऐसे ही 1 नैनो एम्पियर, और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9 एम्पियर के बराबर, ऐसे ही होता है बेटा 10 की पावर माइनस 12 एम्पियर, ये होता है 1 पिको एम्पियर के बराबर, इसको क्या बोलते हैं 1 पिको एम्पियर। तो ये आपके पास जो है इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो है बेटा, नॉर्मली हम क्या लेकर चलते हैं ऐसा यूनिट बताया कि एम्पियर, और ये और छोटी यूनिट है जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करोगे वहां पर काम आएंगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा अपना वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या है कि जैसे इन्फिनिटी के ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, मान लो यहां पर ये इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी के ऊपर ये चार्ज क्यू है, इसको हमने यहां पर लेके आना है। तो जब इसको यहां लेके आएंगे चार्ज को, तो यहां तक लाने में कुछ ना कुछ हमें काम करना पड़ेगा, कुछ वर्डन करना पड़ेगा। जितना वर्डन हमने करना पड़ेगा इस चार्ज को यहां तक लाने में, वो वर्डन क्या कहलाता है बेटा, वो वर्डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या मान लिया कि ये इन्फिनिटी के ऊपर कोई चार्ज है, क्यों चार्ज है, इस चार्ज को हमने यहां पर पी पॉइंट के ऊपर लेके आना है, तो क्या करेंगे, यहां तक लाने के लिए इसके ऊपर कुछ वर्डन करना पड़ेगा, ठीक है, और जितना वर्डन करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से लिखते हैं बेटा, क्या होता है ये, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है बेटा। यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो V है हमारे पास किसके इक्वल हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, WyQ के बराबर हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताया आपको V से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है बेटा SI यूनिट, अगर देखे SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट, तो इसकी वोल्ट हो गई, और जो वर्क डन है हमारे पास उसकी क्या होती है, जूल, और चार्ज हो गया इसकी यूनिट कूलम हो गई, ठीक है। तो यानी वोल्ट किसके बराबर है, जूल पर कूलम, तो पोटेंशियल की यूनिट हम ये भी कह सकते हैं जूल पर कूलम, ठीक है। तो अगर ये कहे आपसे कोई कि एक वोल्ट पोटेंशियल है किसके बराबर हो जाएगा, तो वो ये भी वन होना चाहिए और ये भी वन होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारे पास एक वोल्ट पोटेंशियल है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन वन जूल वर्क इज डन टू मूव वन कूलम चार्ज, ठीक है, जब एक जूल वर्क डन करना पड़ा हो बेटा हमने एक कूलम चार्ज को मूव करवाने में, तो वो क्या कहलाएगा, वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल कहलाएगा, वन वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है। अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको बता दिया, अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर बात आ गई कि डिफरेंस, ये नई बात आई है बेटा। तो डिफरेंस कब होगा, डिफरेंस तब होगा बेटा जब हमारे पास कोई दो टर्म होंगी, ठीक है, कोई दो क्वांटिटी होंगी, उन दोनों का डिफरेंस यानी उनको माइनस करेंगे तभी तो डिफरेंस होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या होता है, थोड़ा ही डिफरेंस है बेटा इसमें। हमने क्या माना था कि हमारे पास चार्ज है इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है, और इस चार्ज को यहां पर पी पॉइंट पर हम लेके आ रहे, यहां तक लाने में जितना वर्डन था वो क्या बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन यहां पर क्या है कि कोई पॉइंट होते हैं, ए पॉइंट मान लिया और इसको जैसे बी पॉइंट मान लिया, कोई दो पॉइंट मिलेंगे बेटा, ठीक है, कि यहां से इस पॉइंट तक हमने इसको लेके आना है चार्ज को, और यहां तक लाने में जितना वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये बात ध्यान रखनी है बेटा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जो है इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी जो पोटेंशियल है W ए बी डिवाइड बाई क्यू, वर्क डन ए से बी तक का और डिवाइड बाई चार्ज हो गया। इसकी भी यूनिट हमारे पास वही होती है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी, वोल्ट थी। बस डिफरेंस बता दिया आपको बेटा क्या है दोनों के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर उतना ही है बस। इसमें हम दो गिवन पॉइंट को लेके चलते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लेके जा रहे हैं किसी चार्ज को, तो वहां पर कितना जो पोटेंशियल है या कितना वर्कडन करना पड़ेगा हमने। ये तीन चीजों में से कोई एक चीज आपको, दो चीजें आपको दी मिलेंगी बेटा, और वहां से आप तीसरी वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक प्रॉब्लम दे रखी है बेटा, तो देखो इसको। ये कहता है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। ये कहता है कि 2 कूलम चार्ज दे रखा है, ठीक है, उसको हमने मूव करवाना है, तो मूव करवाने में कितना वर्डन करना पड़ेगा जबकि पोटेंशियल कितना हो, 12 वोल्ट पोटेंशियल हो, ठीक है। तो जो जो चीजें दे रखी है वो लिख लो बेटा इसमें। V कितना दे दिया, 12 वोल्ट दे दिया, ठीक है, और चार्ज है वो कितना है, 2 कूलम हो गया। तो यहां पर वर्डन निकाल सकते हैं हम। हमारे पास पोटेंशियल किसके बराबर होता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और यहां से वर्क डन अब कैलकुलेट करोगे तो किसके बराबर, V इनटू में Q के बराबर, और V कितना है, 12 वोल्ट, चार्ज कितना है, 2, टोटल कितना आ गया, 24 जूल। ये हमारे पास वो वर्क डन आ जाएगा बेटा जब हम किसी चार्ज को यहां से A पॉइंट से B पॉइंट तक हम उसको लेके आएंगे। ये हमारे पास 2 कूलम चार्ज था, ठीक है, और यहां तक लाने में पोटेंशियल कितना लगा था, 12 वोल्ट। तो वर्क डन हमने निकाल दिया कि 24 जूल वर्क डन है वो करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब दो बातें और हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का आपको बता दिया था मैंने, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको बेटा वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, ये एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं, और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको हमेशा पैरेलल में जोड़ेंगे बेटा, ध्यान रखना पैरेलल। और ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिक करंट का बताया था, इलेक्ट्रिक करंट कौन से डिवाइस मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, एमीटर, और एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है बेटा, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ेंगे, एमीटर को हमेशा सीरीज के अंदर जोड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होंगे ये आने वाले वीडियोस के अंदर आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपने ये ध्यान रखना है कि वोल्टमीटर को एक ऐसे डिवाइस होती है, वोल्टमीटर एक ऐसे डिवाइस है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं, और एमीटर ऐसे डिवाइस है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। तो इसको आपने अच्छे से करना है बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एनुअल एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें कोई भी आपका डाउट हो तो बेटा नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, और आप यदि इस चैनल पे नए हो तो बेटा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल के अंदर आपको जो मैथ्स के वीडियोज हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट जो है वो अभी कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है वो इसमें डल चुके हैं, धीरे धीरे जो आपको सारे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें।